नमस्कार, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है हाई स्कूल प्री बोर्ड की तैयारी करवाएंगे हिंदी की। अब बच्चों, जो इसमें पहला क्वेश्चन आएगा उसमें से लिखा रहेगा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब इसे आप ही क्वेश्चन में इसमें लिखा, नंबर एक कि प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार है। तो हकीकत में प्रेमचंद्र नाटककार नहीं थे, उपन्यासकार थे, तो ये सही नहीं है, इसलिए इसको मत लिखना। दूसरा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। अरे बच्चों, डॉक्टर श्याम सुंदर दास कवि नहीं थे, निबंधकार थे, इसलिए ये भी गलत है, आपका ये भी नहीं लिखना। तीसरा है ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का एक नाटक, जयशंकर प्रसाद का नाटक, ये सही है। इसके बाद बच्चों, जब दूसरा जो है ये क्वेश्चन जब कर होना तो फिर आगे लिखना कि प्रश्नोत्तर नंबर एक खा, ये पूरा लिखो। तो यहाँ पर लिखा निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो बच्चों, प्रश्नोत्तर नंबर एक के खा में यहाँ जो है चार रचनाएं दी गई हैं और उसमें से एक आपको करना है और ये एक नंबर का है। तो पहला है आपका नर से नारायण निबंध है और इसको लिखा है गुलाब राय ने। इसके बाद बच्चों आता है दूसरा भूतनाथ जो है तिलिस्मी उपन्यास है और इसको लिखा है देवकी नंदन खत्री ने। इसके बाद बच्चों आता है साहित्यावलोकन, ये एक निबंध है, इसको लिखा है विनय मोहन शर्मा ने। इसके बाद बच्चों आता है बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है जिसको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। हमने चारों के जो है विधा भी बता दिया, लेखक भी बता दिया, जो लिखने वाले उनको बता दिया, लेकिन आपको करना है एक ही, लेकिन रट लो ऐसी बात नहीं रहा है, करना एक ही आपको है। इसके बाद जो है गा नंबर है कि हिंदी के दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो भैया, एक तो तुम्हारे उपन्यासकार हैं मुंशी प्रेमचंद्र, जो उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। इसके बाद यशपाल हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, ये सब निबंध वो जो है ये सब उपन्यासकार हैं। तो इनमें से खाली केवल आपको दो लिखना है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिया है कि किसी एक यात्रा व्रत लेखक का नाम लिखिए। जहाँ पर यात्रा व्रत बात आए तो यात्रा साहित्य में सबसे बहुत मशहूर हैं राहुल सांक्रात्यायन, है ना, और देवेंद्र सत्यार्थी। तो यहाँ पर एक लिखना है आपका, तो यहाँ पर एक में लिख दीजिए कि किन्नर देश में, एक यात्रा व्रत है किन्नर देश में और जिसके लेखक हैं राहुल सांक्रात्यायन। वैसे तो यात्रा साहित्य लिखने में राहुल सांक्रात्यायन और जो है तुम्हारे जो है देवेंद्र सत्यार्थी, ये जो है बहुत ही मशहूर हैं, है ना, देवेंद्र सत्यार्थी मशहूर हैं, लेकिन तुमको एक लिखना है तो वही लिख दो, किन्नर देश में ये यात्रा व्रत है और लेखक इसके हैं राहुल सांक्रात्यायन। अगला क्वेश्चन है कि पथ के साथी किस विधा की रचना है। तो बच्चों, यहाँ पर विधा तो लिखेंगे संस्मरण और रेखा चित्र। पथ के साथी संस्मरण और रेखा चित्र है और इसकी जो है लेखिका है कवियत्री है महादेवी वर्मा। तो पथ के साथी संस्मरण और रेखा चित्र है, ये विधा हो गई और लेखिका है इसकी महादेवी वर्मा। ठीक, वीडियो पूरा देखो और खूब अच्छी तैयारी करो जिससे आप में यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर आपके आए, क्योंकि हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारी वीडियो को देखते रहो। आता है कि रीत काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को ही विशेषताएं कहते हैं, ये लिखना है। तो नंबर एक लिख दीजिए
कि रीत या लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, नंबर दो श्रृंगार रस की प्रधानता, नंबर तीन कला पक्ष की प्रधानता और नंबर चार होता है ब्रजभाषा का चरमोत्कर्ष, यानी ब्रजभाषा का अधिक से अधिक प्रयोग होता है। तो हमने चार प्रवृत्तियां बताया है और आपको खाली दो प्रवृत्तियां लिखना है। अगर आप ये भी लिख दोगे रीत काल में श्रृंगार रस की प्रधानता है और रीति या लक्षण ग्रंथों की प्रधानता है, श्रृंगार रस की प्रधानता है, कला पक्ष की प्रधानता, दो लिखना है। इसलिए बच्चे रीत काल जरूर तैयार कर लेना, ये हर साल जो है ये हर साल पेपर में पूछा जाता है और जो है ध्यान से तैयारी करिए। हमारी वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए और अच्छे नंबर हिंदी में लाइए। प्रगतिवाद की दो विशेषताएं लिखो, हम कई विशेषताएं बताने जा रहे हैं, उनमें से कोई भी आप दो विशेषताएं लिख लीजिए। पहली विशेषता है कि साम्यवादी विचारधारा, नंबर एक साम्यवादी विचारधारा, यानी ऐसी विचारधारा जो कार्ल मार्क्स से प्रभावित हो, उसको हम जो है साम्यवादी विचारधारा कहते हैं। नंबर दो बच्चों यहाँ पर आता है मानवतावादी दृष्टिकोण, जिसमें इंसानियत हो। और नंबर तीन है प्रगतिवादी विशेषता, नंबर तीन क्या है कि शोषकों के प्रति, जो दूसरों का शोषण करते हैं, है ना, अमीर वर्ग गरीब वर्ग का शोषण करते हैं, तो शोषकों के प्रति विद्रोह, अशोषित लोगों के प्रति सहानुभूति, यानी जो लोग समाज का शोषण करते हैं उनके प्रति नफरत विद्रोह, और जो लोग शोषित हो जाते हैं किसी के द्वारा उनके प्रति प्रेम। छंदों के बंधन की उपेक्षा पहले कविताएं। फिर बच्चों नंबर गा में है कि किसी एक छायावादी कवि का नाम लिखिए। बच्चों छायावादी कवि काफी बार हमने बताया, सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि हैं, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि कवि हैं, महादेवी वर्मा कवयित्री छायावादी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावादी कवि हैं। इन चार में से कोई एक आप लिख दीजिए, एक नंबर का क्वेश्चन ये है। इसके बाद बच्चों आता है कि निम्न गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो गद्यांश है, आज केवल हम एक करा रहे हैं, एक अगली वीडियो में कराएंगे। देखिए इसमें लिखा है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके, ये असंभव है, फेर दीजिए, यानी लौटा दीजिए, फेर दीजिए, पिताजी मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, अंधा बना रहा है। तो ये बच्चों ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा। काफी बच्चे ऐसे हैं जो पाठ का नाम और लेखक का नाम ही नहीं याद करते, ये गलत है। पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, या तो आप इसमें ये लिख दिए प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के, है ना, ममता नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता या जिसके लेखक यहाँ लिखो, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है, या तो पाठ का नाम ममता और लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद या निबंधकार जयशंकर प्रसाद, ये आपका जो है पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, है ना, जिस वाक्य के नीचे रेखा हो उसकी केवल तुमको व्याख्या करना है। हालांकि ये ममता कह रही है अपने पिताजी से, है ना, तो यहां पर जो है बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखा किसके नीचे, देखिए लिखा फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही। तो बच्चों यहां पर जो है ममता अपने पिताजी से कह रही, पिताजी ये जो सोने के थाल में सोना चांदी लाए हो और जिस जो है दुष्ट ने हमारी शादी के लिए आपको ये जो दिया है इसको लौटा दीजिए, ये सोना चांदी जो थाल में भरे हैं ये लौटा दीजिए, मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूं, मैं किसी नीच के साथ शादी नहीं कर सकती हूं,
मेरा शरीर कांप रहा है, मैं गलत रास्ते पर नहीं जा सकती हूँ पिताजी, इसकी जो चमक है ये मेरे आंखों को अंधा बना रही है, इसको ले जाइए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये जो है ममता ने अपने पिता से कहा था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? तो बच्चे इसका आंसर ये होगा कि ममता बाल विधवा थी, वो छोटे में ही विधवा हो गई थी, और जो ब्राह्मण जात से संबंध रखती थी, ममता एक ब्राह्मण बालिका थी, ईश्वर और भाग्य में उसकी प्रबल आस्था थी, विश्वास था भगवान के ऊपर, वो सुख दुख दोनों को ही ईश्वर की इच्छा मानती थी, आने वाले खराब समय के लिए जो रिश्वत के रूप में धन एकत्र करने को वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मानती थी, मतलब वो भाग्य पर भरोसा करती थी, ईश्वर पर भरोसा करती थी। इस प्रकार गद्यांश में ममता की भाग्यवादी करुणामयी और निर्लोभी तथा ईश्वरवादी मनोवृत्ति को स्पष्ट